स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बिग ब्रेकिंग कि हरियाणा में फिर से लग गया है लॉकडाउन और स्कूल और कॉलेज और बाजारों को कर दिया गया है बंद। ये है ट्वीट हरियाणा सरकार का, DIPR हरियाणा का। तो हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल, तो वीडियो के साथ बने रहिए। है हरियाणा सरकार ने COVID-19 की रोकथाम के मद्देनजर 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और कार्यालय 50% की हाजिरी के साथ खुलेंगे। ये लेटर जारी कर दिया गया है, लेटर भी आ गया है बकायदा। और ये देखिए पूरी डिटेल है, 12 तारीख तक बंद किया गया है। 12 तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, क्रैच, ITI, कोचिंग सेंटर और आंगनवाड़ी। एक टैगरी में ये पाबंदियाँ रहेंगी और सारी डिटेल हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे है और इसमें किसको कोरोना हुआ है, किस बड़े मंत्री को। सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभी खेल परिसर केवल ट्रेनिंग लेने के लिए ही खिलाड़ी जा सकेंगे, ये सब पूरी तरह से बंद रहेंगे। खेल परिसरों में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री भी बंद रहेगी। और इसके अलावा मनोरंजन पार्क, ये में और प्रदर्शनियां बंद कर दी गई हैं। सरकारी और प्राइवेट संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। मॉल और बाजार शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे और इसके बाद बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अन्य जिलों में जो पाबंदियां हैं वो ये हैं, एक टैगरी के यानी कि इन 5 जिलों के अलावा जो अन्य जिले हैं उनकी पाबंदियां हैं। एक टैगरी के अलावा बचे अन्य जिलों में जब किसी कार्यक्रम में 100 लोगों के इकट्ठा होने की ये डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसके बाद सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा, क्लब, गोल्फ कोर्ट 50% अक्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, लाइब्रेरी सहित अन्य संस्थान, शिक्षण संस्थान जो है वो बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार और शादी में 50 से 100 लोग शामिल हो सकेंगे और मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर ये नियम टूटता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोनों डोज लेने वालों को ही छूट मिलेगी। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानें जैसे अन्य संस्थानों पर केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इसके अंदर एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि दीपेंद्र हुड्डा को भी कोरोना हो गया है। हरियाणा में राज्यसभा के जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दीपेंद्र ने शनिवार को खुद इसकी जानकारी दी। हल्के लक्षण के बाद उन्होंने अपनी जांच करवाई और वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सांसद ने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जिसकी तैयारी कर रहे थे सभी जो बच्चे थे, जो बेरोजगार थे, वो तैयारी कर रहे थे पटवारी और ग्राम सचिव की परीक्षा की, तो ये परीक्षा अब सरकार ने रद्द कर दी है दोबारा से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव पद के लिए जो अभी परीक्षा होनी थी उसको फिर से रद्द कर दिया गया है, जो कि 7 से 9 जनवरी तक होने वाली थी। इसको सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है। यह परीक्षा 7 से 9 जनवरी के बीच में होनी थी। अब देखिए कि हरियाणा में ओमिक्रॉन और COVID-19 मामलों के में लगातार वृद्धि को देखते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान को 12 जनवरी तक 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है और हो सकता है कि ये आगे भी बढ़ा दिया जाए। और इसको देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत को ग्रुप ए जिलों में डाला गया है। यहाँ पर सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। वहीं प्रदेश के बाकी बचे जिलों में भी कोविड नियमों का के अंदर जो है वो बदलाव किए गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा छूट दी गई थी, अब वो छूट जो है वो वापस ले ली गई है ताकि जो ओमिक्रॉन का संक्रमण है वो और ज़्यादा ना फैले। पर लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और मास्क लगाना भी लोगों ने बंद कर दिया है। इस वजह से भी ये कोरोना का जो ये वाला संक्रमण है ये भी फैलता जा रहा है लगातार। तो सभी जो हैं वो अलर्ट रहें, कोरोना को हल्के में ना लें और सारी की सारी जो भी नियम है इसको बरतें ताकि हम और हमारा परिवार
हमारा देश सुरक्षित रह सके। तो ये थी नई अपडेट्स। कोरोना के चलते सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है उसके लिए हर न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है आज, तो ये देखिए कि पूरी डिटेल हमने आपको बता दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।